गरीब भिखारन की जादुई झोपड़ी। रात का समय होता है, बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। ऐसी घनी बारिश में एक औरत अपनी गोदी में एक बच्चे को लेकर रोते हुए जा रही थी। हे भगवान, ये सब तू मुझे कैसे दिन दिखा रहा है? आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होना? इससे अच्छा तो तू मुझे जीते जी ही मार देता, कम से कम ये दिन तो ना देखने पड़ते। बेचारी सोनाक्षी अपने बच्चे को लेकर एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और वो बहुत बुरी तरह भीग चुकी थी। उसका बच्चा दूध के लिए रोने लगता है। अब और कोई चारा नहीं है मेरे पास, मुझे अपने मुन्ना को बारिश में ही दूध पिलाना होगा। सोनाक्षी अपने मुन्ने को दूध पिलाने लगती है, जिसके बाद वो उसे चुप कराकर फिर से चलना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो घने जंगलों में पहुंच जाती है, जहां उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आती है। आज की रात गुजारने के लिए यही झोपड़ी ठीक रहेगी। सोनाक्षी अपने मुन्ना को लेकर झोपड़ी में पहुंच जाती है और उस रात वो उसी झोपड़ी में निकालती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सोनाक्षी को बहुत तेज भूख लगती है, जिसके चलते वो रेड लाइट पर लोगों से भीख मांगना शुरू कर देती है। मेरी मदद करो, मेरा मुन्ना बहुत भूखा है, मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दिन भर भीख मांगने पर भी उसे कोई भीख नहीं मिलती, जिसके बाद जैसे तैसे करके एक गाड़ी से उसे 50 रुपए का नोट मिलता है। वो उससे अपने लिए खाना खरीदती है और जंगल में अपनी झोपड़ी की तरफ जाने लगती है। झोपड़ी के बाहर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ती है। अरे अरे, क्या ये झोपड़ी आपकी है? बेटा, ये झोपड़ी मेरी नहीं है, मैं तो बस यहाँ खाना मांगने आई थी। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे दोगी? कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। उस बूढ़ी औरत की हालत देखकर सोनाक्षी को उसके ऊपर तरस आ जाता है, जिसके बाद सोनाक्षी अपना लाया हुआ खाना उस बूढ़ी औरत को खिला देती है। जैसे ही बूढ़ी औरत खाना खा लेती है, वह अचानक से एक देवी माँ के रूप में बदल जाती है। डरो मत, मैं इस जंगल की देवी हूँ। कल रात मैंने तुम्हें यहाँ सोते हुए देखा, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने तुम्हारे पास पहुँच गई। तुम बहुत अच्छी हो, खुद ना खाकर तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुम अपने बच्चे के साथ यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और गोरी मैडम से शादी करके उसे घर ले आया। उसने मुझे और मेरे बेटे को घर से निकाल दिया। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए मैं यहाँ चली आई और पूरे दिन भीख मांग कर मैंने अपने लिए खाना खरीदा था। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा कहते ही देवी माँ के हाथों से उस टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ से एक रोशनी निकल पड़ती है, जिसके बाद वो टूटी फूटी झोपड़ी एक सोने के सुनहरे घर में बदल जाती है। आज से ये सोने का सुनहरा घर तुम्हारा हुआ, तुम इसमें आराम से रह सकती हो, इसके अंदर रहने की सभी सुख सुविधाएं हैं। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद सोनाक्षी अपने मुन्ना को लेकर उस घर में चली जाती है। अरे वाह, ये घर तो बहुत खूबसूरत है, इतना सुंदर घर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ ना खाने की वजह से मैं अपने मुन्ना को दूध भी नहीं पिला पाऊंगी। जैसे ही सोनाक्षी ऐसा कहती है, उस जादुई घर के अंदर से अपने आप उसके सामने खाना प्रकट हो जाता है। खाना देखकर वो बहुत हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, ये सुनहरा सोने का घर सोने का ही नहीं बल्कि जादुई भी है। सोनाक्षी ऐसा कहकर उन सभी पकवान को खाने लगती है, जिसके बाद वो आराम करने के लिए कमरे में चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोनाक्षी अपने मुन्ना को दूध पिला रही होती है, लेकिन जैसे ही वो अपने मुन्ना को दूध पिलाने की कोशिश करती है, उसके मुन्ने के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा गर्म होता है। हे भगवान, मेरे मुन्ना की तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो मेरे मुन्ना को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे भी नहीं है। सोनाक्षी के ये कहते ही उसके सामने कई सारे नोट प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, इतने सारे पैसे, इन पैसों से तो मैं अपने मुन्ना को अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सकती हूँ। ऐसा सोचकर सोनाक्षी टाइम को बर्बाद किए बिना ही डॉक्टर के पास पहुँच जाती है और अपने मुन्ना का चेकअप करवाती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे दवाइयाँ लिख कर दे देते हैं। सोनाक्षी दुकान पर जाकर दवाइयाँ ले आती है और अपने मुन्ना को सारी दवाइयाँ समय से खिला देती है। कुछ ही समय में उसका मुन्ना बिल्कुल ठीक हो जाता है। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। आज अगर देवी माँ ने मेरी मदद ना की होती तो पता नहीं क्या होता। सोनाक्षी ऐसा कहने के बाद अपने मुन्ना को अपने सीने से लगा लेती है। देखते ही देखते अब उसका मुन्ना बहुत बड़ा हो जाता है
और वो अपने बेटे को स्कूल भेजना शुरू कर देती। उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां लगभग खत्म हो जाती है और वो अच्छे से रहने लगती है। एक दिन सोनाक्षी अपने बेटे तरुण को स्कूल लेने जाती है। ओहो, इतनी देर हो गई, तरुण अभी तक स्कूल से बाहर ही नहीं निकला है। सोनाक्षी अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही होती है, तभी वहां अचानक से एक गाड़ी का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। उसी समय सोनाक्षी का बेटा तरुण भी स्कूल से बाहर आ जाता है। सोनाक्षी तुरंत उसे गले से लगा लेती है। अरे बेटा, मेरे पास रहो, उधर मत जाना, पता नहीं किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। देखते ही देखते गाड़ी के पास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिसके बाद सोनाक्षी भी उस आदमी को देखने के लिए गाड़ी के पास पहुंच जाती है। जैसे ही सोनाक्षी उस आदमी को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये क्या, ये तो विक्रम जी हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर इन्हें सही समय पर हॉस्पिटल नहीं लेकर गई तो इनकी बहुत ज्यादा खून बहने से मृत्यु भी हो सकती है। सोनाक्षी किसी तरह से विक्रम को गाड़ी से बाहर निकालती है और अपनी कार में बिठा लेती है, जिसके बाद सोनाक्षी विक्रम को हॉस्पिटल लेकर जाती है। विक्रम की हालत देखते ही डॉक्टर सोनाक्षी से कहते हैं, देखिए खून बहुत ज्यादा बह गया है, आपके पति की जान भी जा सकती है और इलाज करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इतना सारा पैसा ला सकती हैं तो हम इलाज शुरू कर देंगे। देखिए डॉक्टर साहब, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, मैं आपको सारा पैसा ला कर दूंगी। सोनाक्षी अपने बेटे तरुण को कार में बिठाती है और अपने सोने के सुनहरे घर में पहुंच जाती है, जिसके बाद सोनाक्षी कहती है, ए जादुई घर, आज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मेरे पति हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके इलाज के लिए मुझे पूरे 5 लाख रुपए की जरूरत है, मुझे 5 लाख रुपए दे दो। सोनाक्षी के ऐसा कहते ही जादुई सोने के घर के अंदर से उसे 5 लाख रुपए मिल जाते हैं, जिसके बाद वो उन पैसों को सीधा डॉक्टर को दे देती है। डॉक्टर साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पति को बचा लीजिए। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ घंटे ऑपरेशन चलने के बाद डॉक्टर सोनाक्षी के पास जाकर उससे कहते हैं, आपके पति की जान बच गई है, आप चाहें तो उनसे मिल सकती हैं। जैसे ही सोनाक्षी अपने पति विक्रम से मिलने जाती है, उसका पति विक्रम हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो सोनाक्षी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। दरअसल जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो कोई अमीर घर से नहीं थी, बल्कि एक चोरनी थी। उसने मेरा सब कुछ चुरा लिया, जिसके बाद मैं डिप्रेशन में पहुंच गया था और मैं मरना चाहता था, लेकिन सही समय पर तुमने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझसे माफी मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज था जो मैंने निभा दिया, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैंने तो ये सब बस इसलिए किया था कि मेरा भगवान मुझसे नाराज ना हो, क्योंकि एक पत्नी का फर्ज होता है अपने पति के हर सुख दुख में साथ रहना, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। अब तुम कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं बस अपने मुन्ना के साथ ही रहूंगी। जिसके बाद सोनाक्षी अपने मुन्ना का हाथ थामती है और अपने जादुई सुनहरे घर में आकर उसके साथ खुशहाल रहने लगती है। कटहल, बोलो कटहल, ताजे ताजे कटहल, कच्चे कच्चे कटहल, आओ आओ काका, खाओ कटहल की तरकारी। अरे आओ चंद्रिका चाची, अरे चंद्रिका चाची, ले जाओ अचार वाले कच्चे कटहल। अरे ओ गोपी, ठहर तो जरा, कैसे बेच रहा है कटहल? 40 रुपए किलो चाची। काहे रे गोपी, तू हमके बुरबक बूझत है, 1 किलो कटहल के 20 रुपए से 1 आना भी ज्यादा नहीं दूंगी। मगर चंद्रिका चाची, हाल्ट बाजार में तो सभी तरकारी भाजी वाले 40 रुपए किलो कटहल बेच रहे हैं। अरे तू बाजार की बात छोड़, क्योंकि ये कटहल तो तेरे घर की खेती है, और फिर तू कौन सा बाल बच्चेदार है, क्या करेगा ज्यादा पैसे कमा कर? तुझे कोई परिवार का पेट थोड़ी पालना है। ठीक है चाची, 20 रुपए किलो ही ले लो। ये पहली बार नहीं था जब गोपी को कम दाम पर कटहल बेचना पड़ा। गरीब गोपी को हर दिन इन हालातों का सामना करना पड़ता था। दिन भर कटहल बेचकर सूरज की घटती किरण के साथ वह घर आता है। घर के नाम पर उसके पास कच्ची ईंटों से बनी झोपड़पट्टी थी, जिसका दरवाजा घास फूस से बना था। घर के पुराने खटिया पर बीमार रामलाल लेटा हुआ था। अरे गोपी, आ गया बेटा। आ, आ। हाँ पिताजी, आप आराम कीजिए, मैं जल्दी से खाना बनाता हूँ। गोपी जल्दी से चूल्हे पर खाना चढ़ाकर अपने घर को निहारने लगता है, तभी जल रही लकड़ी का एक सरकंडा उसके हाथों पर छटक कर पड़ जाता है। आ माँ। अरे गोपी, तू ठीक तो है?
हाँ पिताजी, बस हाथ पर हल्की सी आंच लग गई। अरे इसीलिए कहता हूँ कि ब्याह करके बहू ले आ, चूल्हा चौका करना मर्द के बस की बात नहीं है। पिताजी, किस बेटी का बाप मुझ गरीब गंवार गोपी से अपनी बेटी ब्याहना चाहेगा? इस गरीबी में आपका और अपना पेट पालना ही पहाड़ है। वो तो गनीमत है कि इस कटहल के गांच से कटहल तोड़कर बेचकर दाना पानी चल रहा है। ऐसा कहते हुए गोपी अपनी गरीबी की गहराइयों में गुम हो जाता है। समय गुजरता है। एक दिन गोपी कटहल से भरी टोकरी माथे पर लादे बाजार की ओर बढ़ रहा था, तभी उसे ठंड में ठिठुरती एक बुढ़िया दिखती है। कटहल ले लो, कटहल कच्चे कच्चे कटहल। अरे अम्मा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मुसाफिर हूँ बेटा, रास्ता भटक गई हूँ बेटा। रास्ते में कुछ चोर लुटेरे ने मेरे पैसे खाना सब को छीन लिया। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मगर हाथ में एक खोटा सिक्का तक नहीं। बुढ़िया की आ बीती सुनकर गोपी बिना अपनी परवाह के सहानुभूति के साथ कहता है, ये लो अम्मा, ये पैसे और ये एक कटहल रख लो, बिल्कुल पका कटहल है, इसे अपने घर ले जाना। शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हारे ओछे घर को बड़ी बरकत से भरे। इस तरह उस दिन गरीब गोपी खाली हाथ ही घर लौट आता है, जहां वह देखता है उसके पुराने घर की नींव पर एक विशाल कटहल का बड़ा ही नायाब घर खड़ा है, जिसके बाहर सीढ़ी दरवाजे खिड़कियां सब बने थे। अरे ये घर तो बिल्कुल कटहल के जैसा है, ये कैसे हो सकता है? अचानक वही बुढ़िया कटहल के घर के दरवाजे पर खड़ी दिखाई देती है। अम्मा, आप यहाँ गई नहीं आप? फिर वह अम्मा एक देवी में बदल कर बोल पड़ती हैं। कैसे जाती गोपी, तुम्हारा मुझ पर कर्ज जो था? चौंको मत गोपी, मैं देवलोक की देवी हूँ जो तुम्हें आजमा रही थी। तुम बेहद खरे इंसान हो। तुमने जो मुझे कटहल दिया था, मैंने उसे जादुई सोने के कटहल घर में बदल दिया है। इतना ही नहीं, अब से कटहल का पेड़ भी जादुई पेड़ है, जिस पर के कटहल कभी खत्म नहीं होंगे। और हाँ, जिस कन्या के कदम पड़ते ही ये जादुई सोने का कटहल घर चार गुना और बड़ा हो जाएगा, उसे अपनी जीवन संगिनी समझ लेना। इतने के बाद वह देवी जादुई कटहल घर के दरवाजे से गायब हो जाती हैं और गरीब गोपी सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही कटहल घर में कदम रखता है, वह भौचक्का रह जाता है। अरे मोरी मैया, अब जान पड़ा कि ये जादुई कटहल का घर कैसे है। यहाँ तो सब कुछ सोने के सामान में बदल गया है। अरे दीवार सोने की, खटिया खरे सोने का, सब कुछ, मिट्टी का चूल्हा भी सोने में चमचमा रहा। अरे तू गरीब नहीं रहा रे गोपी। जादुई सोने के कटहल घर को देखकर गरीब गोपी की आंखें खुशी से टिमटिमा उठती हैं। गोपी हंसी खुशी से अपने पिता रामलाल के साथ रहने लगता है। और अगली भोर जैसे ही वह जादुई कटहल के पेड़ से कटहल तोड़ता है, तभी अचानक वहां एक नया कटहल उगाता है। अरे वाह, ये जादुई कटहल का पेड़ का कमाल एकदम हटकर है। एक कटहल तोड़ते ही अगले ही सेकंड ताजा कटहल लग जाता है। फिर गोपी उन जादुई कटहल को टोकरी में भर कर बेचने बाजार निकल जाता है। अरे कटहल ले लो, कटहल कच्चे कच्चे कटहल, मलाई कोफ्ते वाले कटहल। जैसे ही गोपी बाजार में कदम रखता है, एक भिखारी दंपति उसे घेर कर हाथ पसारते हुए कहते हैं, अरे कुछ पैसे दे दो भाई, हमने दो दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी बीवी के शरीर में चलने फिरने की जान भी नहीं बची। मगर तुम तो भले चंगे हो, फिर भीख क्यों मांगते फिर रहे हो? ये सुनकर भिखारी बसंता अपनी बेबसी लाचारी पर रोते हुए कहता है, अरे गरीबी और बेरोजगारी की लाचारी ने हम दोनों दंपत्ति को भूखे से भिखारी बना दिया। जब किसी से मदद का हाथ नहीं बढ़ाया तो मजबूरन मुझे भीख के लिए हाथ पसारना पड़ गया। भिखारी के सच्चे बोल गोपी की आंखों को भिगो देते हैं और वो कहता है, मैं करूंगा तुम्हारी मदद, आओ मेरे साथ। बसंता उन्हें अपने जादुई कटहल के पेड़ के पास लाता है। आगे बढ़ो और तुम ये सारे कटहल तोड़ लो। जैसे ही भिखारी गांच से हाथ बढ़ाकर कटहल तोड़ता है, पूरा पेड़ कई सारे कटहल के गुच्छों से भर जाता है। अरे ये क्या, मैं जिस भी डाली से कटहल तोड़ रहा हूँ, वहाँ अगले ही पल कटहल कैसे उगाते हैं? क्योंकि ये जादुई कटहल का पेड़ है, इस पेड़ के कटहल कभी खत्म नहीं होते। बसंता, अब से तुम जब चाहो इस जादुई कटहल के पेड़ का प्रयोग कर सकते हो, ताकि तुम्हें किसी के आगे हाथ न पसारना पड़े। अरे शुक्रिया मेरे भाई, तुमने मुझ भिखारी को इतना अदब दिया, भगवान तुम्हें और बरकतों से भरे।
फिर गोपी बसंता को टोकरी भरकर बेचने के लिए कटहल और कुछ पैसे देकर विदा करता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और जब भी गोपी को मौका मिलता है वह मशलूबों की मदद को हाथ बढ़ाता है। पिताजी, मैं कटहल बेचने जा रहा हूँ। अरे बेटा, अब तो हमारे पास ये जादुई सोने के कटहल का घर है, फिर हम गरीब भी नहीं रहे, तो क्यों मेहनत मजदूरी करके अपनी हड्डियां गला रहा है? क्योंकि पिताजी, गोपी को मेहनत से भागना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। गोपी माथे पर कटहल से ठक्कम ठेल भरी टोकरी लादे कटहल बेचने निकल पड़ता है। कटहल, कच्चे कच्चे कटहल, मलाईदार कोफ्ते वाले कटहल, बोलो कटहल। गोपी आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक एक भागती हुई लड़की उससे लिपट जाती है। बचाओ, बचाओ। अरे भाग कर जाओगी कहाँ गौरिया? अरे ठहर जाओ, खबरदार जो इस लड़की को हाथ लगाया तो। अरे लौंडे, लाखन के बीच में मत पड़, ये कटहल की टोकरी उठाकर कल्टी कर। लाखन की हट देखकर गोपी उसे हाथापाई करके जमीन पर चित कर देता है और शुभी को अपने घर लाता है, जहां शुभी हैरत अंगेज होकर कहती है, ये कैसा घर है जो एकदम कटहल जैसा है? अंदर चलो शुभी, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। जैसे ही शुभी जादुई सुनहरे कटहल के घर में कदम रखती है, वह कटहल का घर चार गुना बड़ा होकर सोने में चमक उठता है, जहां खटिया खरे सोने के पलंग में बदलने के साथ बर्तन, चूल्हा, खिड़की, दरवाजे सोने में चमक दमक उठते हैं। मतलब शुभी ही मेरी जीवन साथी है। शुभी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुन शुभी की आंखों में बिखरी खुशी आंसू बनकर झिलमिलाने लगती है और वह झिझकते हुए कहती है, मगर तुम मुझ गरीब अनाथ लड़की से क्यों शादी करना चाहते हो? तुम तो इतना धनी इंसान हो और मेरे पास तो तुम्हें देने को कुछ नहीं। तुम्हारे कदम पड़ते ही मेरा जादुई सोने का कटहल घर जी उठा। ये इस बात का अनूठा संकेत है कि भगवान ने तुम्हें मुझ गरीब गोपी के लिए ही ठहराया था। जिसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और वह खुशी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी को जीने लगते हैं। आखिरकार गरीब गोपी को उसके हिस्से की खुशी नसीब हो ही जाती है। किसने सोचा था कि कल तक जो गोपी कटहल बेचकर गुजारे भर भी ना कमा पाता था, आज उसका जीवन जादुई सोने के कटहल घर में चैन सुकून से कट रहा है।